नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में 43 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 2714 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केसेस। हिमाचल में 10 मई तक शाम 4 बजे ही बंद होंगे बैंक, ऑनलाइन चलेंगे विश्वविद्यालय की कक्षाएं। निजी बसों की हड़ताल से सरकारी बसों में सवारियों की भीड़, कोविड नियमों की उड़ रही धज्जियां। बहुतकनीकी सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, गोविंद ठाकुर बोले स्कूल और कॉलेजेस खुलने पर लागू होगी नई शिक्षा नीति। हिमाचल में 3500 रूट्स पर थम गए निजी बसों के पहिए, मिला जुला दिखा असर। मौत के बाद जागा अस्पताल प्रबंधन, 4 मई से शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट का काम। हिमाचल में 2 दिन ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ का अलर्ट, शिमला में झमाझम बरसे बादल। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। हिमाचल में 43 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 2714 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केसेस। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 43 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 16, हमीरपुर 6, शिमला 5, ऊना 4, मंडी 3, सिरमौर 4 और सोलन में 2 संक्रमितों की मौत हुई। इसके अलावा चंबा, किन्नौर और बिलासपुर में 1-1 संक्रमित थे। दमतोड़ा, उधर प्रदेश में 2714 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें से कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 717, मंडी 410, बिलासपुर 400, हमीरपुर 341, शिमला 242, चंबा 201, ऊना 142, सोलन 98, कुल्लू 92, सिरमौर 52 और लाहौल स्पीति में 19 नए पॉजिटिव केस आए। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,121 पहुंच गया। इनमें से अब तक 80,679 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 21,788 हो गए और 1,599 संक्रमितों की मौत हुई। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 1,662, चंबा 874, हमीरपुर 1,593, कांगड़ा 5,384, किन्नौर 208, कुल्लू 659, लाहौल स्पीति 280, मंडी 2,257, शिमला 2,273, सिरमौर 2,336, सोलन 2,967 और ऊना जिले में 1,295 पहुंच गए। हिमाचल में 10 मई तक शाम 4 बजे ही बंद होंगे बैंक, ऑनलाइन चलेंगी विश्वविद्यालय की कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में 10 मई तक बैंक शाम 4 बजे बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का समय रहेगा। राज्य स्तरीय बैंकर समिति 1 मई तक लगाई गई बंदिशों को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर देश के कई राज्यों ने बैंक के समय में बदलाव कर दिया। इसी कड़ी में प्रदेश की राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने मुख्य बैंकों के अधिकारियों के साथ सोमवार को ऑनलाइन बैठक कर ये फैसला लिया। अभी तक बैंक बंद करने का समय शाम 5 बजे रहता था। इसके अलावा पब्लिक डीलिंग का समय 10 से 4 बजे तक था। बैठक में फैसला लिया गया कि 10 मई तक हर शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। बिना मास्क के बैंक शाखाओं में आने वाले लोगों को सेवा नहीं दी जाएगी। उधर कोरोना संक्रमण के बाद बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार के 10 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखे जाने के फैसले की विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 10 मई तक शिक्षक घर से ही छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखेंगे। शैक्षणिक विभाग में सिर्फ विभागाध्यक्ष, शोध केंद्र के निदेशक और अधिष्ठाता नियमित रूप से सप्ताह में 5 दिन कार्यालय आएंगे। निजी बसों की हड़ताल से सरकारी बसों में सवारियों की भीड़, कोविड नियमों की उड़ रही धज्जियां। हिमाचल प्रदेश में निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का व्यापक असर बिलासपुर जिले में भी देखने को मिला। यहां पर निजी बसों के न चलने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि एचआरटीसी बिलासपुर द्वारा जिले के विभिन्न रूट्स पर दर्जनों बसें तो शुरू कर दी, लेकिन कोविड नियमों की पालना करवाना अधिकारियों के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे में बिलासपुर एचआरटीसी के आरएम किशोरी लाल यादव स्वयं नियमों की पालना करवाने के लिए बस अड्डे में जा पहुंचे। नाले में मिला लापता व्यक्ति का शव। पुलिस थाना घुमारवी के अंतर्गत आने वाले गाँव रछेड़ा के समीपवर्ती जंगल में नाले में एक शव मिला। मृतक की पहचान पवन, 35 वर्षीय पुत्र रामलाल निवासी गाँव रछेड़ा डांगघर लोहारवी तहसील घुमारवी के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार पवन कुमार 21 मार्च से घर से लापता था। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना घुमारवी में दर्ज करवाई गई थी। मृतक के भाई ने जंगल की तरफ काफी संख्या में उड़ रहे पक्षियों को देखा। उसे लगा कि जंगल के समीप कोई जानवर इत्यादि मरा होगा। वो जंगल की तरफ गया तो देखा कि नाले में एक शव पड़ा है। इसकी सूचना पुलिस थाना घुमारवी को दी गई। घुमारवी पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला। मृतक की जेब से मिले मोबाइल और उसके कपड़ों को देखकर उसके परिजनों ने उसकी पहचान कर ली। बहुतकनीकी सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई अगस्त में संचालित होने वाले
बहुतकनीकी सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म शुल्क सहित प्राप्त करने की तिथियों को बढ़ा दिया गया। छठे सेमेस्टर व दूसरे वर्ष फार्मेसी की परीक्षा फॉर्म 20 मई तक बिना विलंब शुल्क जमा करवा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव आर के शर्मा के मुताबिक 30 मई तक विलंब शुल्क 300 रुपए सहित और 10 जून तक विलंब शुल्क 500 रुपए सहित फॉर्म संस्थानों में जमा करवा सकते हैं। गोविंद ठाकुर बोले, स्कूल और कॉलेज खुलने पर ही लागू होगी नई शिक्षा नीति। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि विभागीय स्तर पर कई योजनाएं तैयार कर ली गई। स्कूल और कॉलेजेस के खुलने पर ही नीति लागू होगी। कोरोना संक्रमण अभी राह में रोड़ा बना है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की ड्यूटी टीकाकरण में लगी है। स्वास्थ्य विभाग पर काम का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया। टीकाकरण करने से अधिक समय पंजीकरण में लग रहा है। ऐसे में सरकार ने पंजीकरण के कार्य के लिए शिक्षकों की सेवाएं लेने का फैसला किया है। हिमाचल में 3500 रूट्स पर थम गए निजी बसों के पहिए, मिला जुला दिखा असर। सरकार की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर जाने और वहां फैसला होने के आश्वासन से संतुष्ट न होने वाली हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन की अपील पर सोमवार को प्रदेश में निजी बसों के पहिए जाम रहे। राजधानी शिमला समेत तकरीबन सभी जिलों में निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। करीब 3500 रूट्स पर निजी बसों का संचालन न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। HRTC ने सवारियों के अनुसार अतिरिक्त बसों का संचालन कर राहत देने का प्रयास किया। चूंकि कोविड की वजह से पहले ही लोग ज्यादा घरों से नहीं निकल रहे, ऐसे में हड़ताल की वजह से उतनी बड़ी संख्या में लोग परेशान नहीं हुए जितना सामान्य दिनों की हड़ताल में होते थे। मौत के बाद जागा अस्पताल प्रबंधन, 4 मई से शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट का काम। हिमाचल के डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हमीरपुर के ऑक्सीजन प्लांट का काम मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसी सप्ताह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। भाजपा नेता और मक्कड़ पंचायत प्रधान की मौत के बाद सरकार नींद से जागी। सरकार ने हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब कर शीघ्र ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के आदेश दिए। हमीरपुर अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन प्लांट को फंक्शनल करने के लिए टेक्नीशियंस की टीम बुलाई है। बद्दी पुलिस ने जब्त किए 4400 ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में पुलिस जिला बद्दी की कार्यवाही तीसरे दिन भी जारी रही। अन्य सरकारी विभागों को लेकर पुलिस कंपनी का एक एक दस्तावेज खंगाल रही है। पुलिस ने इंडो गैस कंपनी से सोमवार को 4400 गैस सिलेंडर जब्त कर उद्योग विभाग के अधिकारियों को सौंपे। पुलिस ने दिल्ली समेत कई जगह से 2 दर्जन उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए। उन्हें तुरंत सिलेंडर वापस करने को कहा गया। बीते रविवार को 153 सिलेंडर जब्त किए गए थे। मंदिर बंद रखने पर भड़के देवता, बोले पट नहीं खोले तो भुगतने पड़ेंगे परिणाम। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच मंदिरों को बंद रखने का सरकार का फैसला देवी देवताओं को मंजूर नहीं। मंदिर बंद रखने के सरकार के फैसले से नाराज बेंची पंचायत के माली पत्थर के देवता शेला ब्रह्मा सोमवार को DC कुल्लू के दरबार पहुंच गए। उन्होंने सरकार और प्रशासन के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। देवता को देखकर वहां मौजूद प्रशासन के अधिकारियों के होश उड़ गए। प्रशासन की ओर से SDM डॉक्टर अमित गुलेरिया देवता के समक्ष खड़े हुए। देवता को मनाने के लिए करीब आधे घंटे तक अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कांगड़ा के डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हिमाचल हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा के एक डॉक्टर की देहरा से जिला ऊना के एक कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल में प्रतिनियुक्ति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि वर्ष 2018 में वो एक दुर्घटना के कारण 5 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा, इसलिए शरीर में आई समस्या के चलते वो प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सेवाएं देने में असमर्थ होगा। याचिका का निपटारा करते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चंद्र भूषण बारोवालिया के खंडपीठ ने कहा कि अधिक भीड़ वाले अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी और अन्य फ्रंटलाइन के कार्यकर्ता पहले से ही अत्यधिक भार से घिरे हुए हैं। वे लोग लगभग 1 वर्ष से बिना थके इस महामारी का सामना कर रहे हैं। हिमाचल में 2 दिन ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ का अलर्ट, शिमला में झमाझम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को लगातार दूसरे दिन शाम होते ही बादल झमाझम बरसे। कांगड़ा के पालमपुर में झमाझम बारिश से गेहूं की फसल खेतों में ही भीग गई। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार दोपहर बाद बादल छाए रहे। मंगलवार को भी पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी ऐसे ही खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें।